इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे NCT इज नॉट जस्ट अ नेम, इट्स अ मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ मध्य प्रदेश। दूसरी बार बनी मोदी सरकार का पहला आम बजट कल संसद में पेश किया जाएगा। उसके पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश की इकोनॉमी की हेल्थ रिपोर्ट यानी आर्थिक सर्वे पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में इसे सदन के पटल पर रखा। आर्थिक सर्वे दरअसल बजट से ठीक पहले देश की आर्थिक दशा की तस्वीर होती है। इसमें पिछले 12 महीने के दौरान देश में विकास का ट्रेंड क्या रहा, योजनाओं को किस तरह से अमल में लाया गया, इस बारे में विस्तार से बताया जाता है। इस बार के आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2019-20 में देश की विकास की रफ्तार 7% रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। आर्थिक सर्वे में पिछले वित्त वर्ष में GDP की वृद्धि दर 6.8% पर थी। सर्वे में आर्थिक वृद्धि के लिए अधिक संभावनाओं की भविष्यवाणी भी की गई है। बहरहाल पूरे देश की निगाहें इस वक्त आम बजट पर है। उम्मीद जताई जा रही है सरकार देश की आवाम के लिए कई सौगातों का पिटारा खोल सकती है। बजट में क्या कुछ खास मिल सकता है देश की जनता को, ये जानने से पहले आइए ये जानते हैं आम जनता को सरकार से उम्मीदें क्या हैं। उम्मीद तो जो देश में बेरोजगारी है बढ़ी हुई है भारी मात्रा में, युवा बेरोजगार, दूसरा ये GST को लेकर महंगाई दर जो बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, इसमें आम लोगों को और जो बेरोजगार लोगों के जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। उम्मीद है कि युवाओं को रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाए तो ठीक रहेगा। इसमें किसानों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा काम करें तो ठीक है, किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। किसानों को एक तो मंडियों में भाव ज़्यादातर अच्छा नहीं मिलता है और किसानों को काफ़ी परेशानी आ रही है इसमें। देखिए जनता उम्मीदें तो बहुत सारी रखे हुए है, अपेक्षा भी रखती है जनता के बहुत अच्छा बजट आना चाहिए। अब देखना मोदी जी को एक रोजगारी की जो बात है, जो बेरोजगार देश के अंदर लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए और बहुत उम्मीद लगाई है लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने, नौजवानों ने मोदी जी का सपोर्ट किया है और मुझे विश्वास है कि मोदी जी अच्छा से अच्छा बजट लाएंगे। अगर बजट नहीं लाएंगे तो ये तो उनको पता चल जाएगा। जी देखिए, पहले तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत कम बजट खर्च किया जाता है, तकरीबन क्या बोलते हैं 2% से भी कम, इसको कम से कम 5% तक लाएं शिक्षा और स्वास्थ्य, ताकि आम लोगों का जीवन है वो अच्छा बने और हम युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब कम सबसे तो प्रॉब्लम है आजकल रोजगार तो है लेकिन सैलरी नहीं है उतनी, कम सैलरी पर काम कर रहे हैं, बहुत ये बहुत तनावपूर्ण होता है आज के युवा के लिए कि कम खर्च में अपना काम चलाना वगैरह वगैरह, और इंफ्रास्ट्रक्चर देश का बेहतर हो ताकि रोजगार के मतलब एक तरह से एक विकास हो, ताकि सुनिश्चित विकास हो, ताकि हमें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोजगार, वो भी कम सैलरी में। जनता को सरकार से उम्मीदें होना लाजमी है और सरकार ने भी जनता से उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का वादा किया है, लिहाजा आम बजट में क्या कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं एक नजर डालते हैं। वित्त मंत्री टैक्स में कमी की घोषणा कर सकती है। 5 से 10 लाख तक की सालाना इनकम पर टैक्स कम हो सकता है। रोजगार में वृद्धि के लिए श्रम सुधारों को बढ़ावा दिया जा सकता है। अधोसंरचना से जुड़े कुछ बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है सरकार। राजस्व बढ़ाने के लिए नए टैक्सों की घोषणा भी की जा सकती है। किसानों को बिजली पानी की सुविधा के लिए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड को ब्याज मुक्त किया जा सकता है। छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी के लोन देने का प्रावधान हो सकता है। आयुष्मान भारत का प्रसार बढ़ाने का फैसला भी किया जा सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट बढ़ा सकती है सरकार और रेलवे में निजी निवेश का रास्ता भी खोल सकती है सरकार। ये तमाम ऐसी सौगातें हैं जो आम बजट में सरकार देश की जनता को दे सकती है। जनता को उम्मीदें बहुत हैं, देखना होगा उनमें से कितनी पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, मैं हूं अविनाश। मोदी सरकार की दूसरी पारी का पहला आम बजट पेश होने जा रहा है। जाहिर है देश की जनता को सरकार से बेहद उम्मीदें हैं और कयास भी लगाए जा रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से तोहफों की बरसात हो सकती है। बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर रखी हो, जिससे देश की विकास दर की रफ्तार 7% रहने की उम्मीद जताई गई है। सवाल यही है, चुनाव से पहले बीजेपी ने जनता से जो वादे किए थे वो पूरे होंगे क्या? आम बजट में क्या इसकी झलक देखने को मिलेगी? सवाल कई हैं और यही है हमारा आज का विशेष
सौगातों का बजट। और चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रवीण नापित जी, आपका बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के सक्सेना हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत सक्सेना जी। सबसे पहले सवाल सक्सेना जी आपसे ही शुरुआत करता हूँ, इस चर्चा का आगाज जो है आपसे ही शुरू करता हूँ। जिस तरह की उम्मीदें लगाई बैठी है जनता और जो वादे सरकार ने किए थे, जिन वादों पर सरकार दोबारा सत्ता में आई है और पहला आम बजट है और महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करने जा रही हैं, क्या लगता है आपको, क्या कुछ उनके पिटारे में हो सकता है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का जो दावा सरकार ने किया है उसका ये क्या प्रतिबिंब हो सकता है ये बजट? देखिए, सीतारमण जी के पिटारे में कुछ भी हो जी, परंतु गांधी जी ने कहा था कि जब भी कोई आर्थिक निर्णय हो, कोई बजट हो देश में पेश किया जाए, जब भी कुछ बने, तो उस आदमी, गरीब आदमी का चेहरा ध्यान में रखकर, उस गरीब को जो सबसे नीचे का आदमी है उसको ध्यान में रखकर कोई भी निर्णय होना चाहिए, क्योंकि उस पर जो असर पड़ेगा वही हमारे देश का आईना होगा, उसी से विकास की गति मानी जाएगी। अगर उसका विकास होता है तो फिर सबका विकास है, अगर उसका विकास नहीं होता, उसको राहत नहीं मिलती, उसको कहते हैं प्राश्रय नहीं मिलता, तो कोई भी बजट, कोई भी कहते हैं चीज़ें मायने नहीं रखती जी। प्रवीण जी, बहुत बड़ा जो है एक समस्या जो है हमारे देश में, सबसे बड़ी तो है बेरोजगारी और दूसरा गरीबी, और इसको लेकर पीएम मोदी भी कई बार कह चुके हैं और आमतौर पर यही कहा जाता है कि गरीबी को हटाना है, बेरोजगारी को कम करना है, लक्ष्य भी तय किए गए थे कि इतने करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देगी सरकार। अब सत्ता में दोबारा सरकार आई और इस मुद्दे को लेकर सरकार को काफ़ी घेरा भी गया प्रचार के दौरान, क्या लगता है ये जो नई सरकार आई है, बजट पेश होने जा रहा है, क्या कुछ युवाओं को सौगात मिल सकती है और क्या लगता है आपको कि युवाओं को जो है राहत देने वाला ये बजट होगा? देश के अविनाश जी, देश में चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वैज्ञानिक, उनको सबको लगा कि उनके जो विचार थे उन विचारों पे ये खड़ी उतरी सरकार, इसलिए उन्होंने इतना मैंडेट दिया है, मैंडेट भी और देश का 55% जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो बीजेपी को मिला है जी। अब आप पहले देखिए, किसी भी सरकार का दो चीज़ें होती हैं जी, एक शिक्षा होती है, एक स्वास्थ्य होता है जी। देश का मामला लेकर बात करें तो रक्षा होता है जी। तो आप देखिए, शिक्षा पे उन्होंने कोई भी ऐसी कोई नया टैक्स ना था और बाकी और चीज़ें कम करने का प्रयास किया है। स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए आप देखिए आयुष्मान भारत जैसी योजना, यानी ये कोई आदमी गरीब हो, कितने भी बड़े हॉस्पिटल में हुआ जाकर वो गरीबी रेखा का कार्ड है उसके पास या उस अंतर्गत आता है तो 5 लाख रुपये, मतलब आदमी तो कर्ज ले लेता था आदमी को बचाने के लिए। शहरों में आप प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ तमाम जगह जाके वो बिल नहीं चुका पाता था, कई बार तो ऐसा देखा होगा कि मृत व्यक्ति की जो शरीर है वो तब देते थे जब उसका बिल दे देता था। बिल्कुल सही। तो ये सरकार की संवेदनाएं देखिए कि आपको, आप आयुष्मान भारत की योजना का लाभ रखते हैं, देश के लिए रक्षा मंत्री रही तो रक्षा मंत्री भी उन्होंने देखा होगा इसमें क्या कमी रही है और रक्षा हमको कैसा चाहिए। जब रक्षा मंत्री उसी के समय बालाकोट जो घटना घटी थी, देश की रक्षा मंत्री थी जी जी, उस पर भी ध्यान रखा जाएगा। रही बात, आपने कहा कि रोजगार, तो आप स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, और आपने तमाम जो बैंकों में जो उन्होंने कहा कि आदमी जाएगा और कोई भी 5 लाख 10 लाख 20 लाख इमीडिएट, आपने देखा होगा 40 लाख 50 लाख तक के पिछले साल में फटाफट बैंक ने फाइनेंस किए और लोगों को आगे बढ़ने के लिए लोगों ने दिखाया भी है कि हम रोजगार लेना नहीं चाहते, रोजगार देना चाहते हैं जी मोदी जी। लेकिन एक बात ये भी तो थी प्रवीण जी कि जिस वक्त 2014 में चुनाव हुए तो उस वक्त जो सरकार ने वादा किया था कि इतने करोड़ बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, उसमें तो खरी उतरी नहीं, लेकिन अब फिर दोबारा सरकार में आई है, बजट आम आदमी ने जो है, देश की जनता ने जो इतना बड़ा मैंडेट दिया है, तो उम्मीदें अब कहीं ज्यादा बढ़ गई है जी। उस व्यक्ति को जो सड़क रात में, रात्रि के समय रात का इंतज़ार होता था, सड़क किनारे बैठा था, उसकी व्यवस्था भी की है, उसके घर में शौचालय है, उसका मान हो, उसका सम्मान हो, उसके घर का स्वाभिमान हो, तो उसकी चिंता भी की, घर घर शौचालय, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी कोई सरकार आई देश का प्रधानमंत्री बनेगा कि निर्धन व्यक्ति के घर में शौचालय देगा, उसके घर में गैस का सिलेंडर देगा, उसको अगर जिसके घर में छत नहीं है, आप देखिए आवास योजना का प्रधानमंत्री आवास योजना, उन्हें नाम नहीं दिया
कि दीनदयाल जी हों, श्यामा प्रसाद भी हों, सुभाष, किसी का नाम नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिस तरह अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना का नाम दिया, उसी तरह उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, उसमें देखिए आप, चाहे आदिवासियों का देखिए, जिनको कभी छप्पर नहीं थी, वनवासी कहलाते थे एक्चुअल, तो देश में वही ही रहे। तो आप अब उसके बाद आप ये देखिए, तीन दिन चार दिन पहले अभी 100 रुपये कम हुए सिलेंडर पे, 10 रुपये 5 रुपये वाला नहीं हुआ कि 20 पैसे कम हो जाए, सीधे सीधे, चूंकि महिला वित्त मंत्री, इनको लगा कि महिला का बजट तो यहीं से, तो उन्होंने अंदेशा ही दिखा दिया। जो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में देखते हैं, तो मोदी जी ने तो, अविनाश जी, तभी संसद के कहा था कि हमको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, हमको ना माला पहनना, ना फूल माला, ना हमको मंच जाना, ना विदेश आराम करना है, हमको जो मैंडेट मिला है, इस मैंडेट में हमको अभी से ही काम करना है। और जो रोजगार की थी, तो उन्होंने अपनी बात भी बता दी थी कि अगर ये समस्या है तो इसका निदान भी हमारे पास है, स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप, देखिए। और जो आपने कहा था 2 करोड़ की बात थी रोजगार की, उतना भी नहीं हुआ कि एकदम से कम हो जाए। हाँ, हम 1.5 लाख करोड़ तक पहुँचे, हमने ऐसा दिया, 110 कंपनियां मोबाइल की हैं इस देश के अंदर, कोई नकार दे कि नहीं आई हूँ। पर ज़रूरत है ना प्रवीण जी, कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए देश में, उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, स्वरोजगार के प्रति जो है, जितनी भी योजना, कई योजनाएं तो ऐसी हैं कि सरकार की तौर पर लागू तो कर दी जाती है, लेकिन पलीता लगाने में उन्हीं के जो है, जो जिम्मेदार हैं या जो जवाबदार हैं, वही पलीता लगा देते हैं, वो एक खैर अलग बात है। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो खास तौर से युवाओं में, जिनको लेकर उम्मीदें भी हैं उनकी, और वो चाहते हैं कि हर हाथ को काम हो, ये एक बहुत बड़ी चीज है। कल उन्होंने सारे आईएसओं की बैठक ली, उन्होंने लगता है कि जहां पे कहीं चीज में, यहाँ पे मन में कहीं कसावट आ सकती है, उन्होंने बात की, तो उन्होंने आईएसओ से कहा कि आपकी ईमानदारी तो, आपकी कार्यशैली के कारण सरकार आई है, पीठ तो किसी न किसी की, उनकी भी भाई कहीं ना कहीं तो वो थे ना जी। मोदी जी ने कोई अगर काम किया तो तत्काल वो लाल फीताशाही में फाइल बंद नहीं हुई है जी। तो देश में नए रोजगारों का सृजन होगा, सरकार आई है, विदेशों में भी आप देखिए, किसी भी देश का जो पासपोर्ट होता है उसकी अपनी वैल्यू होती है, लगभग 92-94% का इजाफा किया हमारे देश का, कई भी नौजवान या पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, जब देश की कीमत होती है तो पासपोर्ट की उसकी जो होती है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण था इस देश के अंदर, चुनाव के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा था, लोग कहते थे, युवा कहते थे कि हम कहीं बाहर जाते हैं, अब वो भारत नहीं रहा, मोदी जी का भारत है। और अभी G20 जो सम्मिट हुआ था उसमें आपने देखा भी था, और हमारे प्रयास है कि कंपनी भी आए तो ठीक है, नहीं तो हमारे ऊपर तो, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु का जो विस्फोट किया था तो लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे थे, पर ये देश चला था, ये देश रोका नहीं था, क्योंकि ये देश को हमने किसान, अभी मोदी जी ने MSP का रेट दिया है जी, बहुत बड़ी बड़ी बात है, चैनल में पत्रकारों और बड़े बड़े किसान नेता कहते थे कि MSP आना चाहिए, उन्होंने कहा MSP आना चाहिए, 1600-1700-1800 अगर आपकी कीमत है तो 2000 हम देते हैं। चार दिन पहले उन्होंने फिर दिए गेहूं बाजरा इनके दाम के, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल प्रवीण जी, आपके पास 6000 रुपए साल के किसानों के लिए आरक्षण से दिए जी, हर किसान के खाते में जा रहे हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, जिस तरह की उपलब्धियों का जो है आप बातें कर रहे हैं, जनता की बात है, जनता के लिए, लेकिन अब वो ये जो पिछली सरकार में जो हो गया वो तमाम चीजें हो गई, और अब जो आप बातें कर रहे हैं वो भी ठीक है कि अब जाहिर सी बात है कि चुनौती भी है तमाम चीजों से निपटने की सरकार के पास। के सक्सेना जी के पास आना चाहूँगा। सक्सेना जी, ये जो आम बजट है इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं, खास तौर से युवाओं की बात हो रही है कि उनको रोज़गार मिले तभी देश जो है आगे तरक्की कर सकता, दूसरा मुद्दा आता है किसानों का, किसान भी जो हैं बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं इस आम बजट से, क्या लगता है आपको, क्योंकि दोहरी चुनौती है इस वक्त केंद्र सरकार के सामने, मोदी सरकार के सामने, कि वो किस तरह से जो अंदरूनी चीज़ें हैं उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें ताकि सरकार के प्रति भी आम जनता का विश्वास बढ़े और वो एक बेहतर जीवन जी सकें, खास तौर से जो गरीब हैं वो, उनका जो है ग्राफ ऊंचा उठे और वो मुख्य धारा में शामिल किए जा सकें, क्या लगता है आपको, क्या कुछ किया जाना चाहिए और क्या उम्मीद है कि सीता, जो निर्मला सीतारमण है, वो इन सब चीज़ों का पर ध्यान दे पाएंगी। देखिए, रोज़गार को बढ़ाने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री और लघु उद्योग, इनको बढ़ावा दिया जाए तभी रोज़गार का सृजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और वो उनको बढ़ावा तब मिल सकता है जब उनके काम करने के प्रारंभ में
कानूनी पेचीदगियां कम से कम हो, उनको बिजली की सुविधा हो, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए लोन प्रॉपरली मिले, ज़्यादा उनको कहते हैं कानूनी पेचीदगियों में ना पड़ना पड़े, और तभी हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मिडिल इंडस्ट्री और कहते हैं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं। उनको सुविधाएं प्रदान करना ही हमारे रोजगार के सृजन को बढ़ावा देगा, नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह का व्यापार इस देश में चल रहा है उसको समाप्त होना चाहिए, और साथ ही साथ जो खर्चा है पढ़ाई का वो कम हो किसी तरह से, ताकि आम आदमी भी अपने बच्चों को शिक्षा दिला सके। ठीक है सर, एक बात यहाँ पर, मैं जो शिक्षा की आपने बात करी तो वहाँ पर एक सवाल उठता है कि जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने एक स्टैंड लिया और जो निजी स्कूल हैं उनको उन पर दबाव बनाया कि वो इतनी ही फीस रखेंगे, इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन ये जो शिक्षा जो एक इतनी बड़ी चीज़ है हमारे हिंदुस्तान में, हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा मुहैया कराने के लिए, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकारें काम करती हैं, राज्य सरकारें भी करती हैं, केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से काम करती है, लेकिन ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो स्कूलों का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जिस तरह से इसका व्यवसायीकरण होता चला जा रहा है और बेतहाशा फीस वसूली जाती है, और लोग भी जो भेड़ चाल की तरह उन स्कूलों की तरफ भागने में कसर नहीं छोड़ते, एक होड़ सी लगी हुई है कि हमारा बच्चा फलाने स्कूल में पढ़े, हमारा बच्चा फलाने स्कूल में पढ़े, तो इन सब चीज़ों पर भी एक नहीं लगता आपको कि एक नियम कानून बनना चाहिए ताकि सरकारी स्कूलों में भी जो है वो सुविधाएं मिले, ताकि हर खास आम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी पढ़ा सके, और दूसरा जो इस प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है उस पर लगाम लग सके। देखिए क्या है कि केजरीवाल जी विरोधी दल के आदमी हैं, परंतु मैं उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूँ। दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने सरकारी स्कूलों को कहते हैं सक्षम बनाया है और बहुत अच्छा बनाया है, मैं भी खुद ही गया था दिल्ली, यही बात है केके साहब की, उसको रोल मॉडल बना के, जैसे उम्मीदें की जा रही है कि शिक्षा के लिए अच्छा खासा बजट वो दे सबका प्रावधान हो सकता है इस बजट में, लेकिन बजट के प्रावधान के साथ साथ इन सब चीजों पर भी ध्यान दिया जाना कितना जरूरी समझते हैं। देखिए शासकीय स्कूलों को अगर हम मजबूत बनाएंगे, उनको बहुत अच्छी शिक्षा की व्यवस्था वहाँ करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा और आम आदमी शिक्षा को प्राप्त कर सकेगा जी, इसलिए उस तरफ प्रयास होना चाहिए। केजरीवाल के कदम को रोल मॉडल मानकर पूरे हिंदुस्तान में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे शिक्षा आम आदमी को मिल सके। इसी तरह स्वास्थ्य के लिए केजरीवाल जी ने जिस तरह का काम दिल्ली में किया है उसको भी रोल मॉडल मानकर पूरे हिंदुस्तान में एप्लीकेबल करना चाहिए कि आदमी को स्वास्थ्य सुविधाएँ हर आदमी को मुहैया हो सके। क्या नहीं लगता प्रवीण जी आपको कि यदि कोई सरकार, विरोधी पक्ष की भी सरकार है किसी राज्य में, और वो यदि कोई अच्छा काम करती है, आम जनता की बेहतरी के लिए कोई कदम उठाती है, तो उसका अनुसरण किया जाना चाहिए? नहीं, मैंने कभी किसी को विरोधी के रूप में देखा ही नहीं अपने राजनीतिक जीवन में, तो लंबा राजनीतिक जीवन है, वो भी राजनीति में अच्छा काम करने के लिए हम भी करते हैं। मेरा एक सुझाव है आपके चैनल के माध्यम से आज मैं कहना चाहता हूँ, जो स्वशासी महाविद्यालय हो जाते हैं, ऑटोनोमस बॉडी जिनको हम कहते हैं, अविनाश जी उसमें एक सर्वे हो जाए कि जो जो ऑटोनोमस हुए हैं उनके पास बजट इतना आ जाता है कि एक साल में आप बिल्डिंग बना लो, दो साल में आप बिल्डिंग बना लो, तीन साल में आप बिल्डिंग बना लो, भाई अब पाँच छः सात साल से हो स्वशासी, और उसके बाद उनका पैसा जो है लैप्स हो जाता है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ इसके लिए कोई भी सरकार हो, दोषी हो नहीं हो, चूंकि वो वहां तक बात नहीं लाते, अभी हाल ही मेरे विचार है कि आप जो गेस्ट फैकल्टी टीचर होते हैं जी, तो आप अच्छा पैसा दे दो ना उनको, आप गेस्ट के रूप में बुलाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी, पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में उसको आप जो 200 रुपए 500 रुपए आप दोगे तो उसके पढ़ाई के पर डे का दोगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 15,000-20,000 उसको मिलना चाहिए। तो आपको तो अगर 80,000 और 1,00,000 रुपए तनख्वाह है तो गेस्ट फैकल्टी को कम से कम 40,000 तो होना चाहिए जी। जब वो पढ़ाने आते हैं, अच्छा चूंकि प्रोफेसर की जगह पीएससी के माध्यम से निकलती है तो वो अपना एक काम उनको करना चाहिए। अब जहां स्वशासी हो गए उनका बजट नहीं आए तो वो कहने की बात है, बजट आता है, बजट आता है, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज हैं लगभग सभी स्वशासी की स्थिति में, तो हम पेरेंट्सों को भी पालकों को भी सोचना चाहिए कि बच्चों को प्राइवेट कॉलेज के ना जाके सरकारी में जाएं, जब सरकारी में जाएंगे तो हमको जानकारी लगेगी ना,
आईएएस होंगे, तमाम जितने भी एक बात है प्रवीण जी, ऐसी धारणा बना दी गई है एक तरह से, शायद ये निजीकरण जो जिस तरह से शिक्षा का हुआ है, एक धारणा सी बन गई है कि सरकारी स्कूलों में शायद उतनी बेहतर शिक्षा नहीं मिलती, जबकि ज्यादातर जो है अविनाश जी जितने भी टॉपर हैं जी, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हों, चाहे भोपाल के हों, चाहे जबलपुर यूनिवर्सिटी के हों, सारे टॉपर जो है आपको आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट के ही मिलेंगे जी। क्योंकि एक बात है कि सिलेबस से आप वो बाहर जाते नहीं हैं, टाइम टू टाइम पढ़ाते हैं। अच्छा, वहाँ पे इतनी मॉनिटरिंग, अब वो तो क्या था, बड़े उद्योगपति के बच्चे आ गए, बड़े मतलब जो रहते हैं जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, भामाशाह हैं, ईश्वर ने अगर उनको धन खुद संपत्ति मिली तो वो बड़े बच्चे अपने नाम के कारण जाते हैं, और जिसको अपना आगे बढ़ना है वो तो प्राइवेट में जा सकता है या सरकारी में जाके काम जिसको करना है, शिक्षा का अध्ययन करना है। तो सरकार की तरफ से कॉलेजों के लिए व्यवस्था है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार वहाँ रही हो, चाहे केजरीवाल की रही हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की रही हो। हाँ, ये जरूर है कि शिक्षकों की कमी रही है जी, आज भी है जी जी, तो उसको कहीं ना कहीं पर कंसीडर तो करना होगा, बजट को ध्यान रखना, ये वाला स्वास्थ्य क्षेत्र में भी डॉक्टरों की कमी है, कई आना चाहिए ग्रामीण अंचलों में भी जो है काफी दिक्कत है। सरकार कह रही है 10 बजे से 5 बजे तक आपको डॉक्टरों को आना, एक भी नहीं आ रहा है जी। बगल में एम्स है, एम्स में सुबह 9 बजे डॉक्टर आता है, शाम को 5 बजे आता है, ओपीडी भी देखता है, ऑपरेशन भी करता है, और मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे हैं उनको लेक्चर भी देता है। तो आपका अनुसंधान जो केंद्र है, आपका हॉस्पिटल, उसका आप नाम बढ़ाइए। जब नाम अगर मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट के साथ काम करेगा, आपने देख लिया फेल हो गई जी, 4 दिन 5 दिन लगातार उन्होंने जो भी जी, रहा जी, किया चली खैर वो तो मैं एक बात बता रहा हूँ, एक आम बात चल रही, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। और निजी रूप से मैंने फिर कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा, चूंकि केंद्र की बात चल रही थी जी, तो अगर इस पे होगा, अभी हमने रशिया से हेलीकॉप्टर खरीदे, उन हेलीकॉप्टरों को हमने कहा 3 महीने में पूरी चाहिए, हमने डरे नहीं किसी से, हमने ईरान के मामले में भी नहीं डरे, पेट्रोल के डीजल आपसे ही लेंगे, बजट से ही है, क्योंकि देश का बजट है, हम दूसरी जगह से डीजल पेट्रोल लेंगे ना जी, जी, तो हमको ज्यादा महंगा पड़ेगा, तो सस्ते के लिए हम डरे नहीं। तो मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ, आपका जो विषय है विषय से मैं नहीं भटक रहा जी। अच्छा के साहब, एक बात है, महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, क्या लगता है अभी जिस तरह की खबरें आई, जो हम भी पढ़ते रहते हैं कि कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत है काफ़ी बढ़ा है पिछले सालों में हमारे देश में, अब वित्त मंत्री की कमान निर्मला सीतारमण जी के हाथ में है, रक्षा मंत्री वो पिछली सरकार में रह चुकी हैं, क्या लगता है महिलाओं के हित के लिए या महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए क्या कुछ उनके पिटारे में हो सकता है? अब मेरे ख्याल से तो वो कुछ रिजर्वेशन करेंगी, कहते हैं महिलाओं के लिए रोजगार के लिए, और वो होना भी चाहिए। और तो के साहब एक बात है ना कि रिजर्वेशन की बातें बहुत होती हैं कि यहाँ महिलाओं को इतने प्रतिशत रिजर्वेशन में दिया जाएगा, इस सेक्टर में दिया जाएगा, लेकिन महिलाओं का जो ग्रामीण अंचलों में महिलाएं हैं या जो है कि बराबरी की बात तो की जाती है, लेकिन अभी भी वो जो है सुविधाएं या उस तरह से आगे लाने के महिलाओं को प्रयास नहीं हुए जो किए जाना चाहिए। शहरों की बात छोड़ दी जाए तो ग्रामीण अंचलों में अभी भी दशा जो है महिलाओं की काफी ठीक नहीं है। अविनाश जी, उसमें उसका कारण एक ही है, अशिक्षा जी। शिक्षा जब तक हम गांव-गांव तक नहीं पहुंचाएंगे गुणवत्ता वाली शिक्षा, मेरा तो एक कहना यह है कि हिंदुस्तान में जो स्कूल का सिलेबस हो जी, वो चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे कितना भी बड़ा स्कूल हो जी, कोई भी स्कूल हो, एक ही सिलेबस से पढ़ाई होना चाहिए और उसकी गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी हम शिक्षा के साथ न्याय कर पाएंगे और लोगों को सही शिक्षा मुहैया करा सकेंगे। आप देखेंगे ग्रामीण स्कूलों में आप जाके देखिए, बच्चों जो 5वीं 6वीं में पढ़ते हैं उनको 100 तक गिनती भी नहीं आती, उनको ठीक से जोड़ घटाना गुणा भाग भी नहीं आ पाता। के साहब, बात शिक्षा पे तो बहुत बात हो गई, बात ये थी कि पहली वित्त मंत्री हैं जो महिला हैं, और महिला होने के नाते उनकी जो संवेदनाएं खास तौर से जुड़ी होंगी निश्चित तौर पर देश की महिलाओं से, तो महिलाओं को क्या कुछ सौगात मिल सकती है, क्या कुछ किया जाना चाहिए बजट में जो उस तरह से बात, महिलाओं की प्रसन्नता तो उनके किचन से जुड़ी रहती है जी, उनके किचन की चीजें सस्ती हो, उनको वो सब चीजें जो उनके रोजमर्रा में उपयोग में आती हैं उनके दाम नियंत्रित रहे, बढ़े नहीं, यही उनके लिए सबसे बड़ी कहते हैं सौगात है, और उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए सीतारमण जी को। और दूसरी बात बताऊं मैं आपको कि हमारे मोदी जी ने कहा था कि हमारी 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम बनाने जा रहे हैं जी, जी,
उस इकोनॉमी को बनाने के लिए जो एक विरोधाभास है, जीडीपी जो है वो 8% होना चाहिए, तब हम वहां पहुंच पाएंगे। जी जी। और जीडीपी हमारी अभी 6.8 के आसपास है, 6.8 समथिंग है, दो पॉइंट का फर्क है। और इस ये तभी बढ़ सकती है, इस खाई को भरना बहुत नहीं, इसका उसका उपाय है, इसका उपाय ये है कि हम बचत को बढ़ावा दें। जी। बचत को बढ़ावा देने से बैंक की स्थिति ज्यादा अच्छी बनेगी, वो तब बचत को बढ़ावा मिलेगा जब हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आज की डेट में 6.5-7% इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको थोड़ा बढ़ाएं ताकि लोगों की बचत करके बैंकों में जमा करने की प्रवृत्ति बढ़े। और अभी लोग क्या कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं दूसरी जगह करते हैं, बैंकों में पैसा उनको रिटर्न ठीक नहीं मिलने के कारण इधर उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां भी वो सेक्टर में भी मंदी का दौर चल रहा है, तो वहां भी उनको मायूसी ही हाथ लगती है। इसीलिए बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर बढ़ाते हैं तो हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से शुरू। जी बिल्कुल सही कहा आपने केके साहब, और निश्चित तौर पे अब देखने वाली बात होगी, कयास ही लगाए जा सकते हैं कि बहुत ही ये जो आम बजट पेश करने वाली हैं वित्त मंत्री, वो बहुत ही सौगातों भरा होगा। और देश की जनता को जो पहला बजट है तो जाहिर तौर से वो निश्चित तौर पर ऐसा होना भी चाहिए कि जिससे लगे कि आने वाले 5 साल जो सरकार है वो आम जनता की सुनेगी, आम जनता की सरकार है और आम जनता से जुड़े समस्याओं को का निदान करने के लिए वो ये सरकार सक्षम है और आम जनता इस सरकार में खुश रहेगी। प्रवीण जी आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन समय समाप्त हो चुका, हमारा आखिरी टिप्पणी संक्षेप में आप यदि अपनी बात कहना चाहें। उन्होंने बड़ी गरीबी में जीवन दिखाया है जी, निर्मला जी ने रक्षा मंत्रालय में भी एकदम से बिल्कुल संक्षेप में बात कर, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, तो हम लोग को काफी लगता है, खुशी भी है कि वो बजट बहुत अच्छा लाएंगी। गरीब की जो बात कही है सक्सेना जी ने जी। और निश्चित रूप से ये बात सच है कि बैंकों को थोड़ा सा अपना FD का भी बढ़ाना चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए जिससे आम आदमी का झुकाव बैंक की तरफ हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। प्रवीण जी आपका भी बहुत शुक्रिया, के सक्सेना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा कि वित्त मंत्री के पिटारे में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, चंद घंटे ही रह गए हैं, कल वो पहला आम बजट नई सरकार का पेश करेंगी सदन में और उम्मीद की जा रही है कि सौगातों का पिटारा इस बार पहली बार में ही वो खोलेंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ, नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे NCT इज नॉट जस्ट अ नेम, इट्स अ मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ मध्य प्रदेश।